हेलो एवरीवन, आज हम लुब्रिकेंट्स के एक अन्य लेक्चर जिसमें लुब्रिकेंट्स या स्नेहर की विभिन्न जो प्रॉपर्टीज है, विभिन्न गुण होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में मुख्य रूप से इस यूनिट के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, एक तो होता है लुब्रिकेंट्स में श्यामता, दूसरा होता है तेलियता या ऑयलनेस या उसका चपकने का करैक्टर, दूसरा होता फ्लैश पॉइंट, स्फुरांक बिंदु, एक होता अग्नि बिंदु, और इसके बाद में एक और होता है अम्लमान या एसिड वैल्यू। इसके नेक्स्ट है साबुनीकरण मान, सपोनिफिकेशन वैल्यू, नेक्स्ट है इसमें इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण, और जो लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, जो कि प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेंट्स की या स्नेहर की, वो है क्लाउड और पोर पॉइंट। ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये जो सभी पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के बारे में हम वन बाई वन डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेंट्स की, इनके बारे में पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी या श्यामता। श्यामता क्या होती है? श्यामता अपने आप में किसी भी जो फ्लूड है, कोई भी जो लिक्विड है, उस लिक्विड में उसके जो इंटरनल लेयर्स है उनमें एक लगने वाला प्रतिरोध बल होता है, जिसे हम श्यामता कहते हैं। श्यामता टेम्परेचर के साथ में परिवर्तनशील रहती है, अर्थात ताप, जैसे जैसे हम ताप देते हैं वैसे वैसे इसका परिवर्तन होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो श्यामता, कोई भी जो द्रव होती है उसकी श्यामता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर मान लो हम टेम्परेचर कम करते हैं तो कोई भी जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर के साथ में इसका परिवर्तन होता है। एक और होता है जिसमें इसमें विस्कोसिटी इंडेक्स, तो ये एक तरह से टेम्परेचर के साथ में श्यामता का परिवर्तन, दैट्स कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो कुल मिला के बात यह कि एक अच्छी क्वालिटी का जो पॉलीमर होता है उसकी जो विस्कोसिटी इंडेक्स एक मॉडरेट होना चाहिए, और अर्थात इसमें श्यामता जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई लिक्विड ले लेते हैं, ऐसा कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं जिसकी टेम्परेचर के साथ में श्यामता बढ़ती है या श्यामता उसकी घट जाती है, तो एक तरह से वहां पर वो प्रॉपरली जो अपलाइन सरफेस होता है या जहां पर जो मूविंग या स्लाइडिंग लेयर्स होती है जिनके बीच में हमने उनको अपार्ट रखने के लिए, उनको दूर रखने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया हुआ है, वो प्रॉपर लुब्रिकेशन का वर्क नहीं कर पाता है। इस तरह से वहां पर जो मशीनरी है उसमें, हमारी जो मशीनरी है उसमें लोकल फ्रिक्शन के कारण लोकल टेम्परेचर की जनरेशन हो रही है और मशीन में डिफॉर्मेशन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें जो ऑयल, ऐसी ऑयल जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो एक तरह से हाई प्रेशर की वजह से वहां से पास आउट हो जाती है, और जो सरफेस होता है वो सरफेस बिल्कुल नेक्ड हो जाता है और एक तरह से मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। इस तरह से एक अच्छी क्वालिटी का जो लुब्रिकेंट्स होता है उसमें एक तरह से हम ये कहेंगे कि उसका टेम्परेचर के साथ में श्यामता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑयलनेस या तेलियता। तेलियता एक ऐसा गुणधर्म होता है किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो कि सामान्यतः स्लाइडिंग सरफेस या मूविंग सरफेस या जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल का चिपकने का करैक्टर, दैट इज कॉल्ड ऑयलनेस या उसका तेलियता कह सकते हैं। जब कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर अप्लाइंग सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो जो हाई प्रेशर और लोड की वजह से वहां से वो जो ऑयल है वो वहां से हट जाता है, तो इससे वो जो लुब्रिकेशन का फंक्शन है वो वहां पर रुक जाता है। तो इससे अगर मान लीजिए उसमें तेलियता का गुण अच्छा होगा तो वहां पर वो सरफेस को छोड़ेगा नहीं और एक तरह से लुब्रिकेशन का जो वर्क है वो प्रॉपर चलता रहता है। तो जो मिनरल ऑयल्स होते हैं उनकी जो ऑयलनेस है या तेलियता है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर मान लीजिए इनके अंदर हम वेजिटेबल ऑयल्स डाल देते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स डालने से उनकी, या मिनरल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स और जो फैटी ऑयल्स होते हैं या वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं या इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं इनमें तेलियता का मान ज्यादा होता है। इसमें और दूसरा गुणधर्म होता है जैसे फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक इस तरह का बिंदु होता है
अर्थात यह एक वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें कोई भी स्नेहक तेल इतनी मात्रा में वेपर देता है कि वो अपने आप ही एक तरह से जब उसके कांटेक्ट में उसके आसपास कोई चिंगारी या फ्लेम लाई जाती है तो अपने आप ही वो अपना इग्नाइस्ट या दहन चालू कर देता है या प्रज्वलन चालू कर देता है। ये जो निश्चित न्यूनतम टेम्परेचर है ये फ्लैश पॉइंट कहलाता है। एक होता है फायर पॉइंट, फायर पॉइंट यानी अग्निबिंदु, यह एक वह निश्चित न्यूनतम टेम्परेचर होता है किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जो कि इतनी सफिशियंट मात्रा में इस टेम्परेचर पर वेपर बनता है और वो लगातार एक बार इग्नाइट होने के बाद में लगातार कंटिन्यूस रूप से कम 5 सेकंड तक वो एक तरह से फ्लेम के रूप में अगर उसके बाद निकट एक तरह से फ्लेम लाई जाए तो वो लगातार 5 सेकंड तक जलता रहता है। तो इस तरह से ये पॉइंट होते हैं फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट। जनरली कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होती है उसका जो फायर पॉइंट होता है वो फ्लैश पॉइंट से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हायर होता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम टेम्परेचर को जो कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है अच्छी क्वालिटी का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका फ्लैश ऑन फायर पॉइंट सामान्यतः जो मशीनरी का या सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन के कारण जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उससे अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादा फ्लैश एंड फायर टेम्परेचर होना चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का, जिससे कि इतना टेम्परेचर उसको मशीन वहां पर ऑपरेटिंग कंडीशन में मिले ही नहीं, जिससे हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो प्रॉपर स्टेबल रहे इतने टेम्परेचर पर। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें खास करके लो मॉलिकुलर वेट अगर है तो, और इसका जो कंस्टिट्यूएंट है फ्लैश पॉइंट इससे घट सकता है, अगर कुछ कंटामिनेशन हो गया कुछ मिलावट हो गई है तो सामान्यतः कुछ वोलेटाइल मटेरियल्स की, तो इस तरह से जो फ्लैश पॉइंट है उसमें इरेगुलरिटी आ सकती है लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर। तो इस तरह से मॉइस्चर भी इसमें एक रोल अदा करता है। कई बार क्या होता है कि जो ऑयल होती है उसकी वेपर को इग्नाइट करने से या फ्लैश पॉइंट को उसको रोकती है वेपर जो होती है ऑयल के अंदर। तो ये कुल मिला की बात यह है कि उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है उससे फ्लैश पॉइंट एंड जो फायर पॉइंट ये अबव होने चाहिए। अब बात आती है अम्ल मान या एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर प्रेजेंट एसिडिक कंटेंट, अर्थात कितनी मात्रा में उसके अंदर एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है। अगर एसिडिक कंटेंट उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर प्रेजेंट होगा तो सामान्यतः जो अप्लाइंग या ऑपरेटिंग सरफेस है उसको क्या करेगा, कोरोडेट करेगा। तो इसलिए कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका एसिड मान कम से कम होना चाहिए। अम्लीय वैल्यू या एसिड मान ये इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्यतः कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका अम्ल मान एक तरह से QH में के मिलीग्राम में वह संख्या है जो कि कोई भी जो ऑर्गेनिक एसिड है एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने यूज किया हुआ है उसके 1 ग्राम को या उस तेल को या फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसे हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक तरह से एसिड वैल्यू कह सकते हैं। तो जब लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसी अवस्था में ब्रेक डाउन हो जाता है और वहां पर जो एसिडिक प्रोडक्ट जो बनता है वो सामान्यतः उसका केमिकल डिपोजिशन हो जाता है, तो इसके लिए कुछ हम एडिटिव्स मिलाते हैं। एसिड वैल्यू एक हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका जो अम्लीय मान है हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अब बात आती है साबुनीकरण मान या साबुनीकरण संख्या। साबुनीकरण मान कोई भी ऑयल का इस तरह से हम परिभाषित करते हैं कि है ये मिलीग्राम में QH की वह संख्या है या वह मात्रा है जो कि कोई भी जो बसा या तेल को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात यह कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के QH के मिलीग्रामों में वह संख्या है जो कि उसको जो बसा है उस बसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। इसकी सार्थकता क्या है? सामान्यतः साबुनीकरण की जो वैल्यू होती है वो इस बात का एस्टिमेशन देती है, इस बात का हमको निर्धारण करती है, आकलन करती है कि कोई भी जो फैटी ऑयल है लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर कितना फैट प्रेजेंट है, अर्थात उसमें हमको मिलावट का पता चलता है
सावन करंट जो वैल्यू है इससे हमको इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें कितना वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल ऑयल है, फैटी ऑयल है या कितना इसमें मिनरल ऑयल है, अर्थात अडल्ट्रेशन का पता लगा लेते हैं। सावन करंट जो वैल्यू है वो इस बात का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि सामान्यतः जो फैटी ऑयल है वो किस क्वालिटी का है, इसे भी हम इसका पता लगा लेते हैं। तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का जो है ऑयल हम यूज करते हैं। बात नेक्स्ट है इसमें इमल्सीफिकेशन या पायसीकरण। पायस यानी तेल और पानी का जो मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सन या पायसीकरण। ये जो प्रॉपर्टी है कोई भी ऑयल की, ये एक तरह से जब पानी को इसके साथ में मिक्स किया जाता है ऑयल के साथ में, तो ये पायस कहलाता है। तो कुछ ऑयल ऐसी होती है जिनका पानी के साथ में इमल्सन आसानी से बन जाता है। इमल्सन में एक इस तरह की टेंडेंसी होती है क्योंकि ये कोलाइडियल सॉल होता है, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है जो कि सामान्यतः डर्ट है, ग्रिट है या अदर फॉरेन जो मैटर्स होते हैं उनको अटैक करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कैपेसिटीज में है इमल्सन बना के, तो ये क्या करेगा कि जो अप्लाइंग सरफेस है उस पर जो डस्ट पार्टिकल है, ग्रिट है, वो वहां पर आ जाते हैं और बार बार जब कोई सेफ्ट है, कोई धरा है, वाल बियरिंग है, उनके बीच में ये आ जाता है और जो उसका जो सरफेस एरिया है या अप्लाइंग सरफेस है वहां पर लगातार उसका एक तरह से अपघर्षण या जैसे हम कहते हैं घिसाव करता है, उसमें बियर एंड टियर होता है, जिसके कारण मशीनरी के जो कलपुर्जे है वो खराब हो जाते हैं और मशीनरी हमारी एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं आती है। तो एक जो अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसमें जो है इमल्सन बनाना चाहिए वो बाटर के साथ में, और ये जो इमल्सन है इजिली क्विकली ये इसमें ब्रिक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डीमल्सिबिलिटी कहते हैं, अर्थात इमल्सन बना के और तुरंत उसमें से वाटर हट जाना चाहिए। तो और जो सामान्यतः ये जो इमल्सन है या ये जो डीमल्सिबिलिटी है, ये एक तरह से कोई भी जो ऑयल है उसकी एबिलिटी होती है वाटर को उसमें से ऑयल में से निकालने की एक क्षमता होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑयल के साथ में जैसे ही वाटर आया, जैसे ही वाटर आके और वो उसको बाहर निकाल दिया, अगर ऐसा हो सकता है तो हमारा जो ऑयल है वो इमल्सन नहीं बनाएगा, और जैसे ही इमल्सन नहीं बनेगा तो उसमें गर्ट या डर्ट पार्टिकल्स है या फॉरेन मटेरियल्स है ये नहीं आ पाते और हमारा जो ऑयल है वो एक तरह से सेफ रहता है लुब्रिकेशन के लिए। क्लाउड एंड पावर पॉइंट। क्लाउड और पावर पॉइंट ये इस तरह के बिंदु है। क्लाउड का मतलब होता है एक धुंध बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, और पावर पॉइंट का मतलब होता है उड़ेलना या एक तरह से बहना। क्लाउड पॉइंट एक इस तरह का बिंदु होता है कि जब किसी भी ऑयल को हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं टेम्परेचर पर के हिसाब से, तो वो एक तरह से एक क्लाउडी या हेजी टाइप का बन जाता है, जिसे हम एक तरह से उसका क्लाउड बिंदु कह देते हैं। एक पावर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होती है वो एक तरह से आसानी से बहना स्टार्ट कर देती है और अर्थात उड़ेल सकती है या उसमें से अप्लाइंग सरफेस से हट जाती है। ये जो टेम्परेचर है ये एक तरह से पोर पॉइंट कहलाता है। पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट की यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है उसमें यह है कि सामान्यतः कोई भी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उनके हिसाब से हम उसमें एडिटिव्स डालकर तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बहुत कोल्ड क्लाइमेट वाले स्थान में हम उसको ले जाते हैं, उसी मोटर व्हीकल को हम बहुत वार्म क्लाइमेट में ले आते हैं, तो वहां पर वो ये सब चीजें क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट का वहां पर बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं अगर मान लीजिए उसका जो लो पोर पॉइंट है, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो मशीनरी है वहां पर वो एक तरह से हेजिंग हो जाएगा और हमारी मशीनरी में जामिंग हो जाती है।